हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म मतलब जो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है उनको हमें एग्जैक्ट बनाना है उसके बाद जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लास्ट टर्म पे जैसे सॉल्व किया था सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको इंट्रीगेटिंग फैक्टर की मतलब इंट्रीगेटिंग फैक्टर क्या होता है तो जैसे एक इक्वेशन है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो आप उसे एग्जैक्ट बनाते हैं कैसे बनाते हैं कि या तो हम एक्स का फंक्शन लें या हम वाई का फंक्शन लें या एक्स वाई दोनों का फंक्शन लें और उस पूरी इक्वेशन को हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो फंक्शन होता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फंक्शन क्या कहलाता है वो फैक्टर इंट्रीगेटिंग फैक्टर कहलाता है तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है समटाइम्स एन इक्वेशन विच इज़ नॉट एग्जैक्ट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कॉल्ड इंट्रीगेटिंग फैक्टर मतलब हम एक्स का फंक्शन लें या वाई का फंक्शन लें या एक्स वाई दोनों का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन लें हम जिसका हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें और वो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन जाए तो वो हमारा फैक्टर कौन सा क्या कौन सा फैक्टर कहलाता है इंट्रीगेटिव फैक्टर तो यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्म में जो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए आपके फाइव रूल्स हैं अब फर्स्ट रूल है इसमें कि अगर इक्वेशन आपकी एमडीएक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में दी है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे कि पहले तो हम उसमें सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं कि हमारी क्या इक्वेशन होमोजीनियस है होमोजीनियस मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री थ्री है देखो इसकी भी डिग्री थ्री है इसकी भी थ्री है और इसकी भी टू वन थ्री है ठीक है तो इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है या नहीं अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम क्या करते हैं उसमें एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई ये फर्स्ट टाइप है आपका कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन आपकी एमडीएक्स प्लस एनडी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में दी होगी अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आपको चेक करना है कि क्या वो फर्स्ट रूल कहता है कि क्या इक्वेशन होमोजीनियस है अगर इक्वेशन होमोजीनियस है ये इक्वेशन होमोजीनियस है फिर हम उस उसमें क्या निकालते हैं एमएक्स प्लस एन वाई निकालेंगे अगर वो वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई लेकिन अगर जीरो हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट रूल पे जाएंगे तो यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एनडीवाई अब यहां पर हमको मालूम है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको नहीं पता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं तो वहां पर हम क्या करेंगे डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स आपको दोनों निकाल के देखना है इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या होमोजीनियस है तो यहां पर m इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ठीक एम को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा ये जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई वाई के रिस्पेक्ट में तो या एक्स स्क्वायर माइनस टू टू इंटू टू फोर फोर एक्स वाई एन को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स वाई क्या ये दोनों इक्वल हैं दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम डेल एन ओवर डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन इज नीचे लिखते हैं इसको हम इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट अब हम देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है मतलब फर्स्ट रूल लगाएंगे तो एमडीएक्स प्लस एनडीआई इक्वल टू जीरो फॉर्म तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या देखते है? क्या देखते हैं कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है तो यहां पर होमोजीनियस है ही क्योंकि इसकी डिग्री थ्री है थ्री 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 तो हम क्या लिखेंगे बट इट इज होमोजीनियस होमो जीनियस जब इक्वेशन होमोजीनियस है तब हम क्या निकालते हैं एम एक्स प्लस एन वाई एम एक्स प्लस एन वाई तो एम एक्स प्लस एन वाई इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन वाई ये नेगेटिव नेगेटिव है ये तो यहाँ पर माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब वाई ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायेयर वाई स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब वाई नेगेटिव एक्स क्यू वाई पॉजिटिव ये कैंसिल हो गए यहां पर कितना आ गया थ्री एक्स स्क्र वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायेयर वाई स्क्वायर तो यहां पर ये भी क्या हो गया नॉट इक्वल टू जीरो जो एम एक्स प्लस एन वाई मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हमारी ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन में जो एम डी एक्स प्लस एनडी वाई है उसमें पूरी इक्वेशन में हम वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट जब फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स फिर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायेयर वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो पर जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन वाई माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायेयर वाई स्क्वायर मतलब माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स फिर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेयर वाई स्क्वायर मतलब माइनस थ्री अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो अब जब यहां से कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन आई है वहां से हम m और n की वैल्यूज निकालेंगे फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी है? तो यहां से हम एम इज इक्वल टू कितना हो गया वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स एंड एन इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस थ्री अपॉन वाई तो यहां से आ जाएगा डेल एम ओवर डेल वाई y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर एंड डेल एन ओवर डेल एक्स ये कितना आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में ये तो y के रिस्पेक्ट में किया तो इसका आ गया माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर ये x है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट का जीरो हो गया x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा x का हो गया वन मतलब माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर और y का y क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट तो ये हो गया जीरो यहाँ से डेल एन ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एंड ओवर डेल एक्स दोनों की वैल्यूज जो आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं मतलब माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर तो इक्वेशन हमारी कैसी हो गई यहाँ से एग्जैक्ट और जब एग्जैक्ट हो गई तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इंट्रीगेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंट्रीगेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू जीरो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन हमारी हो गई एग्जैक्ट क्या लिखेंगे हम इक्वेशन इज एग्जैक्ट कौन सी इक्वेशन हुई है आपकी सेकेंड इक्वेशन स्टार्टिंग में जो दी है फर्स्ट वो नहीं है ये इक्वेशन जो आई है मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो गई अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंट्रीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस इंट्रीगेशन ऑफ एन डी वाई ए इक्वल टू सी जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लिखेंगे फ्री फ्रॉम x और जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है आपको तो यहाँ पर m की वैल्यूज़ कितनी है m की वैल्यूज़ आपको जो इक्वेशन दी थी गिवन उसमें नहीं रखना है यहाँ पर m की वैल्यूज जो आपकी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आई है उसमें रखना है क्योंकि वहीं से इक्वेशन हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन क्या बनी यहाँ से एग्जैक्ट बनी तो एग्जैक्ट यहीं से बनी है इसलिए हम m की वैल्यू ये वाली लेना है वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एन में जो एक्स वाला टर्म्स है वो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि एक्स से फ्री टर्म्स लेना है माइनस माइनस प्लस मतलब थ्री अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी यहाँ पर लिखेंगे y एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ लिखेंगे हम फ्री फ्रॉम x वन अपॉन वाई कॉन्स्टेंट का इंट्रीगेशन यहाँ पर कॉन्स्टेंट है वन तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स अपॉन वाई माइनस ये हो जाएगा टू वन अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग वाई इज इक्वल टू सी यहाँ से एन लॉग एम क्या होता है लॉग एम टू दी पावर एन मतलब एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स टू दावर टू प्लस लॉग एन लॉग एम मतलब लॉग एम टू दावर एन इज इक्वल टू सी इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिखेंगे एक्स अपॉन वाई फिर लॉग एन माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन ये हो जाएगा प्लस लॉग एम अपॉन एन मतलब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ये हमारा आंसर हो गया अब हम इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व x square y dx minus x एक्स plus y वाई dy equal to zero सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्योंकि एग्जाम में जब सम आएगा तो हमको नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं तो हम क्या करेंगे एम डी एक्स प्लस एनडीवाई से पहले कंपेयर करेंगे फिर यहाँ पर डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे एम और एन की वैल्यूज रखेंगे एम इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर वाई एंड एन इज इक्वल टू कितना है माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एम को हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशियट करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड एन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा जीरो यहाँ पर जो डेल एम ओवर डेल वाई है क्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स मतलब इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है फिर हम क्या देखेंगे रूल फर्स्ट रूल फर्स्ट क्या कहता है कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है तो हम क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज क्या हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है तो यहां से देखो इसकी डिग्री थ्री टू प्लस वन थ्री इसकी थ्री इसकी थ्री मतलब इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम फर्स्ट रूल पे जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है या नहीं तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है बट इट इज होमोजीनियस जब इक्वेशन होमोजीनियस है देन हम क्या करते हैं एमएक्स प्लस एन वाई निकालते हैं एमएक्स प्लस एन वाई की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई तो यहां पर हम एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे एम एक्स मतलब इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब वाई माइनस ये माइनस है प्लस माइनस माइनस इसमें वाई का करेंगे तो एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू दी पावर फोर क्योंकि वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये प्लस ये माइनस कितना आ गया माइनस वाई टू दी पावर फोर इक्वल टू जीरो नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब जो हमारा इंट्रीगेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई ये हो गया माइनस वन अपॉन वाई टू दावर फोर यह हमारा इंट्रीगेटिंग फैक्टर आ गया अब जो इंट्रीगेटिंग फैक्टर आया है उसका हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन वाई टू दावर फोर इन इक्वेशन फर्स्ट जब हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर थ्री वाई क्यू, डी एक्स माइनस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्योंकि वन अपॉन वाई टू द पावर फोर का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा ये हो गया एक्स क्यू अपॉन वाई टू द पावर फोर प्लस वाई क्यू अपॉन वाई टू दी पावर फोर मतलब वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब हमारी ये इक्वेशन आ गई है इसमें हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एनडीवाई से ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग सेकेंड विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब हम इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई क्यूब प्लस सॉरी एन इज इक्वल टू कितना हुआ एक्स क्यू अपॉन वाई टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन वाई अब हम एम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू पावर माइनस थ्री का क्या होगा माइनस थ्री वाई टू द पावर माइनस फोर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायेयर थ्री एक्स अपॉन वाई टू पावर फोर इसी तरह से हम n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई टू पावर फोर वाई कॉन्स्टेंट है ये जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ गया डेल एन ओवर डेल एक्स दोनों इक्वल हो गए थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई टू तो दी पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई टू तो दी पावर फोर मतलब इक्वेशन हमारी कैसी हो गई यहाँ पर एग्जैक्ट हो गई जब एग्जैक्ट हो गई तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो साइड में लिख सकते हैं हम इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन इज एग्जैक्ट अब हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा इंट्रीगेशन ऑफ एमडीएक्स यहां पर वाई एज ए कॉन्स्टेंट प्लस इंट्रीगेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी यहाँ पर लिखेंगे फ्री फ्रॉम एक्स फिर हमारा वही फार्मूला है उसी से हमें इंट्रीगेट करना है एम की वैल्यूज कितनी है इक्वेशन सेकेंड से देखना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस इसमें एक्स से फ्री टर्म्स लिखना है तो इसमें एक्स है ये ज़ीरो हो जाएगा केवल ये टर्म्स आएगा वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू सी यहाँ लिखेंगे हम फ्री फ्रॉम एक्स अब इसे इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री वाई क्यूब वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू सी तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं ये हमारा फाइनल आंसर हो गया तो इस टाइप के साम हमें करना है ये हमारा रूल फर्स्ट कंप्लीट हुआ अब हम करेंगे रूल सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में Thank you.